हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। वॉर लगी हुई है हम लोगों के यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। तो क्या नाचोगे? और बहुत कम हमारी यहाँ पर यूएस के साथ वॉर लगती है, और मुझे याद भी नहीं है पुराने स्टेट्स। और अभी यहाँ पर जो सीन ऑन हुआ है वो ये है कि हमारे वालों का फिर थोड़ा बेटर है। 2 स्टार का एवरेज है हमारे वालों का, और एनिमी का जो एवरेज चल रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पर बहुत ही कोई डगमगाया हुआ है, काफ़ी पीछे हैं ये लोग। और जहाँ तक मेरे अपने अटैक्स की बात है तो वो मैं तुम लोग को एक एक करके बताता हूँ। मैंने दबा के भंड मारे हैं आज के अटैक्स में। यहाँ पर सबसे पहले मैंने निकाला 79% का अटैक, और टाउन हॉल 10 से किया था मैंने। बहुत ही भाई यहाँ पर तो आर्मी देखो, सबसे पहले 4 मैंने अर्थक्वेक लिए हैं, 3 फ्रीज लिए हैं, 1 सीसी में 7 की ली हुई है मैक्स की, 2 रेज स्पेल लिए हैं, और यहाँ पर दोनों के दोनों हीरोज मैक्स हैं। बाकी यहाँ पर है हमारे पास विच ब्रेकडाउन का अल्टीमेट। अब तुम लोग बताओ, अगर तुम यहाँ पर विच ब्रेकडाउन करते हो तो यहाँ पर भाई ऐसे तो नहीं आएगा ना कोई भी। सिंपल यहाँ पर भाई अंदर की साइड से इस तरह घुसेंगे, तीनों एक्सबो को फोड़ते हुए डायरेक्ट आएंगे। मुझे पता ही नहीं था ये कंपार्टमेंट इतना कोई डेडलीस्ट कंपार्टमेंट है कि यहाँ पर आते के साथ हमारी सारी की सारी मतलब जितनी भी वो होंगी विचेस सब की सब मर गई। यहाँ पर पूरी आर्मी अटैक पूरा 100% एकदम से फेल हो गया। कैसे हुआ अभी तुम लोग को मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बार स्पीड बढ़ा देता हूँ। गोलम डाला मैंने पीछे से, यहाँ पर क्लीनअप स्टार्ट किया और डाल दिया मैंने यहाँ पर अपना लॉगमस और क्वीन किंग। पीछे से आ गए सारे के सारे अपने ट्रुप्स, यानी कि जो मेन आर्मी थी। पॉइजन किया सीसी को, यहाँ पर फ्रीज की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि इतना ज़्यादा डैमेज था नहीं। सिंपल यहाँ पर आर्मी अंदर की साइड पर आई। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ तुम लोग की स्पीड थोड़ी स्लो, क्योंकि यहाँ पर आर्मी को आना है अंदर की साइड पे। अब तुम लोग देखना यहाँ पर एक एक करके कैसा ख़त्म होना शुरू होगी। ऊपर की साइड पे ही भाई यहाँ पर इतने ख़तरनाक जायंट बॉम्ब्स आए कि ऊपर की साइड पे ख़त्म हो गए, और नीचे की साइड पे आने से पहले ही कुछ बचा ही नहीं। ऊपर से आर्मी भटक गई, ये ख़त्म हो गया अटैक। कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पर जब तक हमारा अटैक इस कंपार्टमेंट में था तो पूरा का पूरा अटैक कितना पावरफुल था, एकदम से आर्मी कहाँ गायब हो गई समझ ही नहीं आया। यहाँ पर इतना ख़तरनाक अटैक था, लेकिन ये भी हमारा अनफॉर्चुनेटली बैड लक के साथ हमारा 2 स्टार निकला। और दूसरा अटैक भी मैं तुम लोग को अपने दिखाता हूँ यहाँ पर, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही कोई तकरीबन के मतलब रेड लगा दी भाई उस अटैक की भी यहाँ पर। और मतलब बहुत अफसोस हुआ भाई मुझे वो वाला अटैक भी देखकर। अभी रिसेंटली तुम लोग को सबसे पहले 99 वाला अटैक दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पर करके रखा भाई। ये रहा ब्लैंक का 99% अटैक किया मैंने अपनी इसी आईडी के साथ, मेन आईडी के साथ 99% अटैक किया। विच ब्रेकडाउन आजकल चल रहा है। अब तुम लोग बताओ इस अटैक स्ट्रेटजी में लॉग मस यूज़ किया जाए या फिर वॉल ब्रेकर। भाई देखो, लॉग मस भी यूज़ किया जा सकता है, वॉल ब्रेकर भी, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो है वॉल फोड़ना। वही किया मैंने भी यहाँ पर, सिंपल इजीली वॉल फोड़ने का काम स्टार्ट कर दिया मैंने। सिंपल यहाँ पर अटैक देखो, मैं अटैक तुम लोग को दिखाता हूँ एक बारी 2 स्पीड में तुम लोग को दिखाता हूँ अटैक। यहाँ पर सीन मैंने इस अटैक के साथ किया क्या, यहाँ पर सबसे पहले भाई मैंने चारों के चारों यहाँ पर एक कंपार्टमेंट खोला बड़ा सा। ऊपर की साइड पे तीनों साइड पे गोलम, पीछे से यहाँ पर हम लोगों ने फनल के लिए मतलब पूरा क्रिएट करा हम लोगों ने विजर्ड्स के साथ और वार्डन ग्राउंड पर, और बाकी मेन आर्मी हम लोगों ने पूरी यहाँ से घुसाई अंदर। सिंपल आर्मी यहाँ पर हमारी अंदर की साइड पे आने लगी। वॉल ब्रेकर यहाँ पर अपना बहुत ही वॉल ब्रेकर बेहतरीन काम कर रहा था, और जो काम था उसका वो पूरा हुआ। यहाँ पर मैंने किया एनिमी सीसी को फ्रीज, और आर्मी यहाँ पर सिंपल अंदर आना शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर देखो तुम लोग, अब मैं स्पीड ना थोड़ी सी स्लो कर देता हूँ, स्पीड नॉर्मल कर दिया मैंने यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर किंग की एबिलिटी दी और वार्डन की एबिलिटी भी मैंने यहाँ पर साथ में दे दी थी ताकि किंग के बच्चे ज़्यादा देर तक जिंदा रहें। टाउन हॉल एक्सप्लोजन वाला था नहीं तो मैंने यहाँ रेज स्पेल डाली नहीं। सिंपल यहाँ पर ऊपर की साइड पे रेज स्पेल की ज़रूरत पड़ी, मैंने वो डिप्लॉयमेंट कर दी यहाँ पर। बाकी यहाँ पर इतनी ज़्यादा किसी चीज़ की कोई ज़रूरत थी ही नहीं। सिंपल यहाँ पर अटैक हमारा बहुत ही कोई पावरफुल चल रहा था, और एकदम से अटैक फेल हो गया क्योंकि सारी की सारी विचेस एकदम से ख़त्म हो गई। ख़त्म, बाय बाय। वही चल रहा है आजकल। इससे पहले ये जो मेरे अटैक्स चल रहे थे इस आर्मी के साथ वो कोई इतने पावरफुल थे कि जो लावा लून अभी आया था ना एज कम्पेयर उसके जितने टाइम में हमारा यहाँ पर अटैक ख़त्म हो जाता था, और ईजिली 3 स्टार हो जाता था हमारा यहाँ पर अटैक। लेकिन यहाँ पर भी हमारा 3 स्टार अटैक नहीं हो पाया, बहुत मेहनत के बाद भी अटैक हमारा 3 स्टार नहीं हो पाया। अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ अपना लास्ट अटैक।
तो 84% मैंने यहाँ पर इस आर्मी के साथ यहाँ पर अटैक किया, फ्लिंगर डाला और फ्लिंगर के अपोजिट से कोइन डाल दी। हमेशा अपोजिट में जाती है, यहाँ पर डाली नहीं, ऊपर वैल्यू मजे की नहीं थी, नीचे वैल्यू बहुत टाइट थी, इसलिए यहाँ से कोइन वॉक स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने फनल क्रिएट किया बेबी ड्रैगन के साथ, कोइन आ गई सिंपली अंदर, पीछे से वॉल ब्रेकर एस फॉलो और यहाँ से फ्लेम फ्लिंगर दो आर्चर के साथ फुल तबाह के यहाँ पर डैमेज पहुँचा रहा था एनिमी को। और यहाँ पर भाई सीसी बाहर करी मैंने, एक यहाँ पर हॉग राइडर डाल के सिंपल यहाँ पर सीसी हमारी बाहर की साइड पर आई। यहाँ पर मैंने इनविजिबिलिटी कर दिया क्योंकि यहाँ पर सिंगल इन्फर्नो ने पकड़ के रखा हुआ था, सिंगल इन्फर्नो को किया फ्रीज, सीसी को किया टेक डाउन। अब आ गई यहाँ पर हमारी क्वीन सिंपल एनिमी, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है क्वीन पर। यहाँ पर यार क्वीन मर गई जल्दी, यहाँ पर हम लोग को चाहिए थी आर्टिलरी जिसकी ज़रूरत हम लोग को बहुत ज़्यादा थी। फ्लेम फ्लिंगर यहाँ पे बहुत ही टाइट काम कर रहा था। यहाँ की बात करें तो भाई इस साइड पर मैंने डिप्लॉय कर दिया था अपना किंग और पैका, सिंपल यहाँ पर किंग पैका डिप्लॉय करने के बाद यहाँ पर अच्छी खासी किंग पैका के साथ वैल्यू मिल गई क्योंकि फनल क्रिएट भी करना था और किंग पैका को अंदर भी लेकर आना था। और बस यहीं पर यहाँ पर हमारा अटैक थोड़ा सा यहाँ पर डगमगा गया था क्योंकि बहुत सारी वैल्यू बची थी और आर्मी अभी तक हमारी मतलब मेन डिप्लॉय नहीं हुई थी और टाइमिंग भी बहुत कम बची थी यहाँ पर। टाइमिंग की वजह से आज मैंने यहाँ पर बहुत भंड मारे और सारे हॉक्स मैंने भेजे, अपना वार्डन डाला, पीछे से वार्डन था अपना ग्राउंड पर और यहाँ पर रिकॉल स्पेल के साथ सीसी के हॉक्स डाल दिए सिंपल। पीछे से मैंने यहाँ पर क्लीनअप डाला, तुम लोग भी ऐसी किया करो, फौरन क्लीनअप डालो। अब तुम लोग देखो हॉक्स कितनी सारी तादाद में मौजूद है, हील स्पेल भी सही चल रही है, आर्टिलरी भी इतना ज़्यादा डैमेज दे नहीं रही है, सिंपल अटैक चल रहा था, कोई बहुत ही टाइट अटैक चल रहा था। लेकिन एकदम से बस वही बात होती है ना, सारा का सारा अटैक आपका फेल हो जाता है से ना हो पाएगा और कुछ भी नहीं बचता आपके पास। पीछे वही हुआ मेरे अटैक के साथ भी यहाँ पर। और बस यार आर्मी आधी यहाँ आ गई, यहाँ पर लेरीज पड़ गए हमारी आर्मी के पीछे, ऊपर की साइड पर यहाँ पर डबल जाइंट बॉम्ब निकला और सारी की सारी आर्मी अपनी चली गई यहाँ पर घाटे के अंदर। लेकिन यहाँ पर मेरे अटैक इसलिए फेल हो गया क्योंकि यहाँ पर विच का जो है टाउन हॉल 10 पर भी इतना कोई मतलब अब जो सीन है वो ऑन नहीं है और टाउन हॉल 12 पर भी यहाँ पर कोई इतना मज़ेदार सीन नहीं है विच के साथ। तो यार विच को कराएंगे हम लोग यहाँ पर मिस। अभी अगली वीडियो में मैं तुम लोग को लेकर आऊँगा हाइड्रा के साथ। तो बस यार आज की वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, मिलता हूँ तुम लोग से अपनी अगली वीडियो में, जब तक के अपना बहुत ही ख्याल रखना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखना। बाय।